हॉस्पिटल कठिन समय में वो दुकानदार भी जोखिम उठा रहा है, आखिर किस लिए? इसलिए ना कि आपको जरूरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स, उन वर्कर्स के बारे में सोचिए जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं, ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग क्षेत्र के हमारे लोग पूरे लगन से, पूरे मन से इस लड़ाई का नेतृत्व करते हुए बैंकों को संभालते हैं, आपकी सेवा में मौजूद है। आज के समय सेवा छोटी नहीं है, उन बैंक के लोगों का भी हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बड़ी संख्या में हमारे साथी ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों में डिलीवरी पर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये लोग इस कठिन दौर में भी ग्रोसरीज की डिलीवरी देने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टीवी देख पा रहे हैं, घर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको सुचारू रखने के लिए कोई न कोई अपनी जिंदगी खपा रहा है। इस दौरान आप में से अधिकांश लोग जो डिजिटल पेमेंट आसानी से कर पा रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान यही वो लोग हैं जो देश के कामकाज को संभाले हुए हैं। आज सभी देशवासियों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें कोरोना वायरस के संदिग्ध या फिर जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है, उनके साथ कुछ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दूसरे से सिर्फ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, न कि इमोशनल या ह्यूमन डिस्टेंस। ऐसे लोग कोई अपराधी नहीं है, बल्कि वायरस के संभवित पीड़ित भर है। इन लोगों ने दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया है। यहां तक कि वायरस के कोई लक्षण नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लौट करके आए हैं और दोहरी सावधानी बरत रहे हैं। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित न हो पाए। इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, तो उनके साथ खराब व्यवहार करना कहीं से भी जायज नहीं है, बल्कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक सहयोग करने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से यह समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। मैं फिर कहता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। कोटा से यशवर्धन ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बॉन्डिंग को मजबूत कर रहे हैं। बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं, किचन में नई नई डिशेज बना रहे हैं। जबलपुर की निरुपमा हर्षई जी नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला है। यही नहीं, वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पूरा कर रही है। वहीं रायपुर के परीक्षित, गुरुग्राम के आर्यमन और झारखंड के सूरज जी का पोस्ट पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के ई रीयूनियन करने की चर्चा की है। उनका ये आइडिया काफी रोचक है। हो सकता है कि आपको भी
दशकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बातचीत करने का मौका न मिला हो, आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए। भुवनेश्वर के प्रत्युष और कोलकाता की वसुधा ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जिन्हें अब तक पढ़ नहीं पाए थे। सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला, वीणा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकालकर रियाज करना शुरू कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको संगीत का आनंद तो मिलेगा ही, पुरानी यादें भी ताजा हो उठेगी। यानी मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा, बल्कि आप अपने पैशन से भी जुड़ पाएंगे। आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुड़ने का पूरा अवसर मिलेगा। नमो ऐप पर मुझे रुड़की से शशि जी ने पूछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिटनेस के लिए क्या करता हूँ, इन परिस्थितियों में नवरात्रि का उपवास कैसे रखता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन आपको अपने भीतर झोंकने के लिए अवसर भी दिया है। ये मौका है, बाहर मत निकलो लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। जहां तक नवरात्रि के उपवास की बात है, ये मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विषय है। जहां तक फिटनेस की बात है, मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूं उसके विषय में कुछ वीडियोज अपलोड करूंगा। नरेंद्र मोदी ऐप पर आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे कि जो मैं करता हूं, संभवतः उसमें से कुछ बातें आपके काम आ जाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूं और न ही मैं योगा टीचर हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूं। हां, ये जरूर मानता हूं कि योग के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। लॉकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बातें कुछ काम आ जाए। साथियों, कोरोना के खिलाफ ये युद्ध अभूतपूर्व भी है और चुनौतीपूर्ण भी, इसलिए इस दौरान लिए जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इतिहास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले। कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारतवासियों ने उठाए हैं, जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं, वही भारत को कोरोना महामारी पर जीत दिलाएंगे। एक एक भारतीय का संयम और संकल्प ही हमें मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेगा। साथ साथ गरीबों के प्रति हमारी संवेदनाएं और अधिक तीव्र होनी चाहिए। हमारी मानवता का वास इस बात में है कि कहीं भर भी कोई गरीब, दुखी, भूखा नजर आता है, तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे, उसका जरूरत की चिंता करेंगे। और ये हिंदुस्तान कर सकता है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर भारतीय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंद है, लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए। हमें ये जंग जीतना है, जरूर जीतेंगे। मन की बात के लिए फिर अगले महीने मिलेंगे, और तब तक इस संकटों को मात करने में हम सफल हो भी जाएं, इसी एक कल्पना के साथ, इसी एक शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে বহুত কিবা কিবি আছে।